बड़वा पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी कर दोहरा लाभ कमाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सुबह मनिहार के समीप कपास की गठान लेकर जा रहे ट्रक क्रमांक MP20HB1585 में आग लगने से उसमें भरी हुई करीब 22 लाख रुपए कीमत की कपास की 128 गठान जलकर खाक हो गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया था। मौके पर आग लगने का घटनाक्रम पुलिस को संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग में शामिल 6 आरोपियों सहित माल को बिकवाने वाले ब्रोकर और माल खरीदने वाले व्यापारियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से 128 कपास की गठाने कीमत 22 लाख रुपए जब्त किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में खुड़ैल, अलीराजपुर, बैतूल, नौगांव में इसी प्रकार की वारदात करना कबूल किया है। उसके बारे में जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसमें आगजनी की जब जांच की तो उसको पूरी घटनाक्रम जो है वो संदेहास्पद प्रतीत हुआ और पुलिस ने इसमें जांच करते हुए जो मालिक है उसको बुलाया, उससे पूछताछ की। मालिक को भी कहीं ना कहीं घटना में शक संदेह हुआ तो उसके आगे बढ़ते हुए पुलिस ने फिर अपनी पूछताछ की। जो साइंटिफिक एविडेंस थे CDR वगैरह के बेसिस पे, बाकी उसके बेसिस पे पुलिस ने पूरी जांच की तो कहीं ना कहीं इस घटना में जो आगजनी थी वो एक अपराध की ओर पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा हुआ है। पुलिस ने जांच की तो इसमें पाया कि एक संपूर्ण गिरोह है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, ये पुलिस को खुलासा हुआ। और वो ओरिजिनल माल जो था, जो सही अच्छी क्वालिटी का कपास था, उसको हटाकर थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी का कपास रख के उसको जला के और उसके बाद जो है उस ट्रक का जो जल गया है उसका बीमा क्लेम कर लेते थे, उसको ले जाके वो किसी अन्य उसके माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से, ब्रोकर के माध्यम से उसको दूसरी जिनिंग वगैरह फैक्ट्रीज़ में बेचते थे, जहाँ पे वो उसको सस्ते दामों पे उसको ठिकाने लगा दिया करते थे। कितने आरोपी बने हैं सर इसमें? इसमें अभी प्रथम दृष्टया जो है हमारी जांच में करीब 8 आरोपी आए हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है। उसके अलावा 3 अन्य आरोपी